गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3 पेज 1414। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। आपको बताना है टू प्रूव रूट 5 is an to prove root 5 is an irrational. Okay, firstly तो मैं आपको यह बता दूं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर मतलब ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर P and Q are integers and Q means denominator is not is equal to 0. They are called rational numbers. अब बात आती है irrational number की। तो irrational number क्या होते हैं ये समझ लीजिए। Those numbers which cannot in the written of the form of P upon Q और बाकी का सब वही चलेगा। Where P and Q are integers, Q is not is equal to 0. Got it? तो इस तरह से हमने रेशनल और इरेशनल नंबर को समझ लिया है। अब आपको एक अच्छी चीज और याद दिला दूं मैं, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर भी समझते हैं आप। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, और कोप्राइम नंबर का मतलब होता है कोप्राइम के पहले प्राइम नंबर बता दो। प्राइम नंबर तो आपको मालूम ही है, ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड कोप्राइम नंबर। की कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर एज ए वन हो। जैसे फ्रैक्शन है 45/25, अभी अपन इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं 5 9 45 5 5 9 5, तो 9 एंड 5 आर आल्सो कोप्राइम नंबर क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं। 9 के फैक्टर है 1 3 एंड 9, 5 के फैक्टर है 1 एंड 5, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। आया समझ में? देन अब आपको प्रूव करना है कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमको यही प्रूव करना ना रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अब हम मान लेते हैं कि सपोज रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ले root 5 is a rational number, rational number। मान लीजिए root 5 एक rational number है, तो root 5 को rational number के equal हम लिख देते हैं। तो therefore a upon b is equal to root 5। a upon b is equal to root 5 के लिए का जैसे मैंने भी definition दी थी rational number की, कि दो numbers which can in the written in the form बट कोप्राइम नंबर क्या है ये? कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर समझ गया जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो वन। P and Q are co-prime number and Q is not is equal to 0. That is clear. इस तरह से हमने इनको लिख दिया, ठीक है? अब co-prime number मतलब P और Q को already आप smallest form तक ले गए। Then on squaring of both side, on squaring of both sides, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। Got it? Then P upon Q whole square is equal to root 5 square. Got it? Then this will become P square upon Q square is equal to 5. Then P square is equal to 5. So it is Q square. It is equation first.
अब आप p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर है मींस p जो है वो काई से डिविजिबल है 5 5 इज द फैक्टर ऑफ p हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं सो देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ p क्योंकि p किसके इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर मींस 5 इज द फैक्टर ऑफ p ओके अब हमने देख लिया कि 5 p का फैक्टर है अब हम आगे चलते हैं हम मान लेते हैं लेट लेट p इज इक्वल टू 5 हमने p अपन क्यों लिया r मान लिया p इज इक्वल टू 5 r ओके p इज इक्वल टू 5 r अब हम क्या करते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट p की वैल्यू हम काय में इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे चलिए और इधर आ जाए ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 5 r ये r में ऐसा लिख देता हूं इधर की थोड़ा चलिए इसकी देख लीजिए ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 5 r इन इक्वेशन फर्स्ट देन सी इक्वेशन फर्स्ट में ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर इट इज इक्वेशन फर्स्ट p की वैल्यू लिख रहा हूं 5 r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर गॉट इट 5 5 इज 25 r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर गॉट इट देन अब हम क्या करेंगे ये 5 मल्टीप्लाई में उतर जाएगा तो डिवाइड में देन 25 r स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर गॉट इट देन 5 अंडर 5 एंड 5 5 इज 25 गॉट इट देन 5 r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर मींस r जो है ये आपका जो है 5 जो है अभी हमने क्या बताया था बेटे कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 5 इज द फैक्टर ऑफ p अब यहां पर हम देख रहे हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ q आल्सो व्हाट इट इज इक्वेशन सेकंड ओके दस 5 is factor of q also means क्या हो गया आप जानते हो 5 जो है वो p का factor भी है और 5 जो है वो q का factor भी है means 5 दोनों में common factor आ गया जबकि हमारे p और q क्या है वो prime number और कोप्राइम नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि कोप्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है तो इसमें 5 तो दोनों में p और q में आ गया मींस क्या हो गया कि आपका जो 5 ये p और q है वो कोप्राइम नंबर नहीं हुए ना फिर इस हिसाब से ये तो हमारे पांडे में के अपोज में चला गया देन वी विल राइट 5 is the factor of p and q हमको ऐसा लिखना पड़ेगा मैं ये रफ कर दूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको लेकिन अब आप समझ लेना है ये आप नोट कर लीजिएगा इतना इस एक्सरसाइज के सभी सब इस पर डिपेंड है इसलिए मैं इसको पूरे को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं है ना बेटा आप ध्यान दीजिएगा और यही वाला क्वेश्चन सेकंड में भी हमको जरूरत पड़ेगी अभी हम एसीटी ग्रुप में भी करेंगे ठीक है तो अब हमने ड्रॉ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ऐसा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू मीन्स 5 पी और क्यू का दोनों का फैक्टर हो गया इससे क्या हो गया इससे ये हो गया कि दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स इज द फैक्ट
हमने कोप्राइम नंबर माना था और तो उसके अनुसार ये अपना एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। हमने ये माना था द कॉन्ट्रेडिक्ट वास द कॉन्ट्रेडिक्ट पी एंड क्यू आर। पी एंड क्यू आर क्या है, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर्स। और ये दोनों का फैक्टर बता रहा था, एक बार कोप्राइम नंबर नहीं बता रहा, इसका मतलब क्या, सो दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या माना था पता है आपको, मैंने रफ कर दिया, लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। तो अब अपना जो मानना हुआ था वो क्या हो गया, गलत हो गया। दस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये बात है रूट फाइव एक रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो 5 अगर हम इस तरीके से रेशनल नंबर मान के चलते हैं तो p और q में क्या आ जाता है, कॉमन फैक्टर आ जाता है कोई भी, और कॉमन फैक्टर आने से वो फिर कोप्राइम नंबर नहीं रह जाते, जो कि हमने मान रखा था कि p और q कोप्राइम नंबर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 सब हमने बताया था, तो वो हमारे अजम्पशन के अपोज में चला जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलिए दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सारी ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। अभी मैंने पी और क्यू मांगा था, हम कोई भी इंटीजर मान सकते हैं, हम ए और बी मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल डू, बाकी भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल, इट इज क्वेश्चन नंबर 2। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल, 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। इरेशनल आपको सिद्ध करना है 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम यहां पर जो डिजिट लेगी रहेगी उसको लेकर चलना आपको, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और हमको वापस रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसी से ये प्रूव होगा। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, सो देयरफॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5 हमने मान लिया, पी अपॉन क्यू माना था ना मैंने, अब मैं ए अपॉन बी मान रहा हूं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, where a and b are co-prime, co-prime मतलब समझे आप, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 है, and b is not is equal to 0, और b 0 के ऊपर नहीं है, unsquaring, so आप both side then a square upon b square is equal to root 5, so therefore a square is equal to 5 root 5 b square equation first, इससे क्या सिद्ध हुआ कि 5 sorry root तो हट जाएगा ना, square करने पर 5 का square हट जाएगा, या हमने square किया था तो यहाँ पर केवल 5 है, मतलब 5 is the factor of a, thus 5 is factor of A, मतलब 5 जो है A को डिवाइड करेगा,
नाउ वी कम हियर, लेट हमने मान लिया a इज इक्वल टू 5c, यहां पर जो रूट का नंबर होगा अगर 3 होता तो हम 3c मानते, ये ध्यान रखना, रूट 2 होगा तो 2 मानेंगे, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, लेट a इज इक्वल टू 5c, दो देन इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट अप करने का, I'm putting a is equal to 5c in equation first. Then equation first is a square is equal to 5b square. Then a is equal to 5c whole square is equal to 5b square. 5 × 25c square is equal to 5b square. 5 multiplies so that divide the chala jayega. So ye ho gaya aapka b square is equal to 25c square upon 5. 5 into 5, 5 is 25. So therefore b is equal to 5c square. Usme q is equal to 5r square. Means kya hua? This is equation second. So therefore 5 is factor of b also 5. B ka bhi factor ho gaya. Thus 5 is the factor of A and B. अब अगर 5 A और B का factor हो गया, जबकि A और B तो co-prime number थे, कोई भी 1 के अलावा common factor नहीं होना था. But fact is that, A and B are co-prime. So our assumption is wrong. मतलब जो हमने माना वो गलत हो गया. हमने क्या माना था? Let root 5 is an irrational number. तो ये गलत है. तो फिर क्या हो गया? 5 is an root 5 is an root 5 is an irrational number. Irrational number. Root 5 क्या है? Irrational number. अब हम आ गए अगले question. So therefore, see, we have 3 plus 2 root 5. है ना? 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. यहां मालूम है हम इसको काय के इक्वल मान लेते हैं, रेशनल के. इसको भी हमने इसके ये मान लिया. आप थोड़ी देर के लिए लेट ये हमने रेशनल नंबर मान लिया. लेट 3 प्लस 5 is a rational number. Is a rational number and so therefore 3 plus 2 root 5 upon 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. Why? A and b are co-prime. And v is not is equal to 0. Then see 2 root 5 is equal to a upon b plus 3 will go there is minus 3. Then let the LCM 2 root 5 is equal to a upon b minus 3. है ना? तो हम यहाँ क्या कर लें? B LCM ले लें. b lcm आ जाएगा तो ये हो जाएगा a minus 3b. b से b डिवाइड किया 1 multiply by a से denominator 1 1 से b को डिवाइड किया 1 1 multiply by 3 is 3b. 2 multiply से multiply by आया 2 5 is equal to a minus 3b upon 2 divide by a तो 2 d हो गया. अब आपको मालूम है कि ये irrational number है और ये rational number है, तो ये दोनों equal कैसे हो सकता है? कि ये rational number होने से irrational number हो जाएगा, वरना हमने proof कर दिया root 5 is an irrational number. We know a minus
वी नो वी लेट a माइनस थ्री b अपॉन टू d इज अ रेशनल नंबर but root 5 is not as root 5 kya hai irrational number so our assumption is wrong humko likhna padega yahan se root 5 is an irrational number ye line humko chahiye ये लाइन हमने लिख ली मान लो देयरफॉर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर दस हम कह सकते हैं कि थ्री प्लस टू रूट फाइव थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये क्यों इरेशनल नंबर हुआ बेटे क्योंकि ये रूट फाइव के इक्वल रूट कर दिया हमने और फाइव का कंप्लीट नंबर क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया हैंस प्रूव थैंक यू वेरी मच अब इसके बचे हुए सम आपको करना है जो कि सब सेम है इसी तरीके से इसके सारे सम होंगे दिस एक्सरसाइज इज ओवर थैंक यू वेरी मच ओके